नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा आपसे कि आप लोगों के मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। जो मैसेजेस आप कर रहे थे लगातार कि सर इस बार मेरिट कहाँ रहने वाली है, कुछ अनुमान बता दें, तो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा अनिश्चित ज़्यादा था और हर बार की तुलना में अनिश्चित ज़्यादा था। और दूसरी बात ये कि हमने जब भी आपने देखा होगा कि मेरिट बताई है, मतलब जो कट ऑफ अपना अनुमान बताया है, हमेशा आंसर की आने के बाद बताया है, क्योंकि उससे पहले मैं पेपर को देख सकता हूँ, मेरा खुद का ये अनुमान हो सकता है। और लोगों के अनुमान जो होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर अपना अनुमान, लेकिन जब एक बार आंसर की आ जाती है तो अनुमान लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसीलिए हमेशा जब आंसर की आ जाती है तभी मैं अपना अनुमान बता पाता हूँ। और आप लोगों के शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है कि जनरली जो मैं अनुमान बताता हूँ अब तक यही हुआ है कि वो करेक्ट हो। उम्मीद है कि इस बार भी करेक्ट होना चाहिए। तो अब ये था कि भाई हम लोग हमने जो डिसाइड किया कि भाई यहाँ तक मेरिट अनुमान है कि होना चाहिए, उसके लिए हमने उन लोगों से भी बात की जो लोग लगातार HJS के मेंस दे रहे हैं, कभी प्री नहीं रुका। हमने उन लोगों से भी बात की जो लोग पहली बार, दूसरी बार या ऐसे दे रहे हैं जिनका कभी नहीं निकल। तो उन सब लोगों की ओपिनियन और परफॉर्मेंस देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, हमारा ये अनुमान है कि इस बार कट ऑफ जो जनरल की है वो कट ऑफ 63-67 होनी चाहिए, 63-67 या यूं कह सकते हैं, हाँ इतना ही रख लीजिए, 63-67 यही होगी मेरिट। अगर 63 से आप नीचे हैं तो आप के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में पॉसिबिलिटी बहुत कम, तो इसलिए 60-61 वाले लोग कम उम्मीद लगाएं और अपना जो काम है वो करें, और कोई परीक्षा है तो उसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि 60-61 वालों के लिए मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी कम है। 63-67 यानी कि 63 से प्लस हैं पॉसिबिलिटी ज़्यादा। OBC की क्या रहने वाली है, OBC की मेरिट भी 61-65 हो सकती है, 64 हो सकती है, 61-64 हो सकती है OBC की मेरिट। SC की मेरिट 45-50 हो सकती है। तो ये हमारा अनुमान है, और बाकी क्या होगी मेरिट इसके लिए आपको रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। और क्षमा चाहेंगे मैं एक बार फिर से कि आप लोगों के प्रश्नों का, आप लोगों को की चीज़ों का मैं आंसर नहीं दे पाया, लेकिन अब इसके हिसाब से जो लोग 60 प्लस हैं वो निश्चिंत होकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामना मेंस के लिए। थैंक यू।